वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। वो देखिए माँ, वो चीजें फ्राई हो रही हैं। और क्या नारा लग रहा था? नारा भाई मर्दों की तरफ से, मर्द आर्टिस्टों की तरफ से, हमारा सलीम जीतेगा। हमारा सलीम, और हमें यकीन है आयशा जीत चुकी है। अच्छा अभी कुछ सलीम मेराज ने डिसाइड किया? नहीं, मैंने ये कहा कि हमारा सलीम जलाने में जीतेगा। अच्छा अच्छा, बात कर देगा हर एक चीज को। अभी कुछ दिन पहले फैज़ अहमद फैज़ साहब की सालगिरह गुजरी, हमने उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी किया था। कुछ अगर आपको फैज साहब का याद हो तो प्लीज, ये मेरी फरमाइश है। आग कम कर लें, ये इसके तड़तड़ाने के शोर ज्यादा। प्लीज यार, ये थोड़ी सी आग तो कम करो तुम लोगों ने तो। आज बाजार में पाव जौला चलो, आज बाजार में पाव जौला चलो, चश्मे नम जाने शोरी दा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में पाव जौला चलो। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये फैज साहब को इतनी खूबसूरती से अदा करती हैं, इतना खूबसूरत गाती हैं। मैंने तो इनकी महफिलों को अटेंड किया और मुझे, मैं सामने बैठ के सुनती हूँ कि ना चेहरे से नजर हटे ना कहीं मैं इधर उधर हूँ, बस मुझे सुनना है, इनको सुनना होता है। थैंक यू सो मच, यू सच ए लवली पर्सन माशाल्लाह। और जितनी तुम सेंसिटिव हो मुझे पता है। इसका एक सेकंड में जो दिली वो फीलिंग होती है, जो बहुत हसास लोग होते हैं, जाहिर है आर्ट से जितने भी रिलेटेड लोग, वो एक फॉरन इसके चेहरे पे आ जाती है। पता नहीं, शायद मैं इतना आप खुद भी तो तरीके से देखती हूँ, मुझे एक सेकंड में नजर आता है। मगर आज कुछ जलने वाला है नाजरीन, है ना? खाना को मजेदार पकने वाला ही पक चुका है, देखकर आया हूँ, जल चुका है। जल अल्लाह मियाँ, यानी इन लोगों को चूल्हे तक कम करने नहीं आ रहे। अरे आज चूल्हे ही कम कर लो यार, सारा जला दिया तुमने। देखो इस तरह से बनाना होता है, ये ताजा ताजा सा। ये क्या बना है यार, केक मैं भी लाऊं? हाँ प्लीज प्लीज, माशाल्लाह आज ईद का सा समा लग रहा है। ये देखें भाई, ये देखें, सही ये है, परफेक्ट जा रहा है। आप देखिए, आप हमारे आर्टिस्ट को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप देखिए, आप क्या कमाल, शाहिद भाई आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। और ये देखें, जबरदस्त ठंडा बिल्कुल यक पड़ा हुआ है, इसको वेरी गुड। ओ गुड, आइए शेर की कॉल आ गई है, शेर पूछ रहे, शेर की कॉल, शेर कह रहे भाई मैं इतना इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि वो शेर है। हाँ, भाई तुम शेर हो भाई, इसलिए हम सब डरते हैं। तुम तो इतने इम्पोर्टेंट हो बेटा कि हमने तुम्हें हमेशा पिंजरे में बंद रखा है। क्या चूल्हे के सामने लोग खामोश हो जाते हैं, है ना? सलीम नहीं, सलीम बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, उसको इतना डर भी लग रहा है, वो ऐसे वाली कुकिंग कर रहा है, यूं करके। नहीं मगर उसका इलाज है, वो एक कोई भी ढकना लेके, हाँ तलवार की तरह ना उसको यूं सामने रख लेते हैं, वापस डाल दें। अच्छा उससे सासस पूछ भी रही है, ये अच्छी बात है कि आपको सासस सीखना भी चाहिए, अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही। सलीम मेरा बोला ये उतार दूं क्या, यानी वापस डाल दें, क्योंकि इतना काला क्या दिखाएंगे टीवी पर यार, वो बिल्कुल काला हो चुका है वो कबाब, वापस डालो यार, पलटो उसको। ले जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम देखते हैं इस शोर शराबे में हम अपने कॉलर से क्या बात कर सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कराची से कॉल है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आपकी मॉर्निंग को हमने मस्त बनाया कि नहीं? मस्त मॉर्निंग सादिया, वेरी वेरी मस्त मॉर्निंग टू यू। आप बताइए जी, मैं समीना बात कर रही हूँ कराची जी से। समीना आज तो सब कॉलर अच्छे अच्छे शेर सुना रहे हैं, सादिया मेरी तरफ से भी एक शेर आपके लिए। अरे इरशाद प्लीज। कभी खुशबू जी, कभी खुशबू कभी बादे सवा लगता है, सब में मौजूद होकर भी सबसे जुदा लगता है। वाह 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 वाह, क्या बात सलीम साहब आपके। अरे कॉल आ रही हुई हुई हो, हुई हो। सादिया मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जब से आपका शो शुरू है सेकंड वीक है जी, जब से कॉल मिला रही हूँ, फर्स्ट टाइम आज कॉल लगी है। ओ
और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि अभी मॉर्निंग मस मॉर्निंग जो रिपीट हो रहा था, तो मैं ये सोच रही थी कि कुछ ना कुछ चेंजिंग तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना जबरदस्त धमाका होगा, है ना? ये धमाका अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सादिया। और जो आप नेचुरल हैं, जिस तरह आप शो स्टार्ट करती है ना, तो इतना सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप मुझसे बात कर रही है, हर एक को ये लगता है कि जैसे आप उससे बात कर रही है। थैंक यू सो मच जी, मेरी भी यही कोशिश होती है कि वो लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे होते हैं, और मैं चाहूँ कि मैं उनकी फैमिली का हिस्सा बन के उनसे मिला करूँ। और मैंने कल ये बात भी की थी कि हमारे प्रोड्यूसर्स ने मुझसे कहा फरिया कि आप उस तरह की बातें क्या करें, खाना क्या बन रहा है, ये क्या हो रहा है, बच्चों को टिफिन दिया गया या नहीं दिया गया। मैंने कहा हेलो, ये मेरा स्टाइल, अच्छा चले मैं करके दिखा देती हूँ। तो मैंने कल सवाल ये रख लिया कि अपने कॉलर से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मैं ये क्या करूँ, या जो मैं कर रही हूँ इस वक्त मैं वो करूँ। तो मुझे इतने अच्छे सारे जो जवाब मिले कि नहीं, जो आप नेचुरल हैं प्लीज वैसी रहे हैं, आप गलतियां भी कर लेती हैं और एक्सेप्ट भी कर लेती हैं, हमें अच्छा लगता है। क्या ब्यूटी ने नेचुरल होने में ही, तो वो थैंक यू सो मच। कॉल ड्रॉप हो गई। वैसे जाते जाते इनको मैं जो इन्होंने शेर सुनाया था उसके बिल्कुल अक्स में एक शेर बहुत मशहूर है जी। रुके रुके जो चांद चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छांव जैसा। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन आजकल भी छोटी बहर के शेर मैंने कल एक पढ़ा रक्षा में लिखा हुआ, चाइना से चांद तक चाइना से चांद तक ना चले तो शाम तक। कितना फलसफे, चाइना से चांद तक ना चले तो शाम तक। अरे बस बंद कर दिए, क्या बात है, वाह वाह वाह, फलसफे में डूबा हुआ शेर है। हाँ आज तो है ही शेरों की भरमार है भाई। हो गई तैयारियाँ, खाना बन गया, दिखा दो, मत पूछे आप भी जाओ। अरे सारे थोड़ी पका रहे थे भाई, लंच बना रही थोड़ी भी बना लेते यार। यार सलीम मेरा घर से फोन आया था कि बदनाम ना करा देना, बहुत हो गई है, है ना? सब मिल बांट के खा लेंगे, मेरी टीम का पेट भर जाएगा। उसके बाद मिल बांट के पेट के दर्द की गोलियां भी खानी है। ये जो पका रहे हैं ना, मैं सब देख के आया हूँ वहाँ। हम लोग क्या कर रहे हो यार, देखिए मेरी चीज निकाल निकाल के डाल रहे। ओहो हो हो, ये चीटिंग, अपने खाने के लिए कारतूस चल रहे हैं, कारतूस। एक कोई सुरीला सा कबाब इधर फेंक दे, है ना, सुरीला सा कबाब, सुरीला सा कबाब। चलो जी चले लेकर आए ना, एक ही ट्रे से जा। ओहो एक ही, देखें देखा ये आर्टिस्ट की खबतीन है ना, सलीका नजर आता है, तमीज सब वो लेकर आएगी। प्लीज ये चूल्हा अगर आप बंद कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा, या चूल्हे से फ्राई पैन को हटा दें तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, जो धुआं गैस का, मुल्क में गैस कम है यार। हाँ बिल बहुत आ जाएगा, बंद करो। ओहो अब तो हमारे यहाँ गैस का भी इशू है। हाँ ना, बहुत ज्यादा इशू, तो सिर्फ बिजली का था। लीजिए जनाब, लेते हैं या एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते हैं कि फाइनली वो जो पक रहा था या जल रहा था वो किस सूरत में हमारे सामने आता है। छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।